जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को एक बड़ी राहत देते हुए पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 मामले में दायर याचिका को सुनवाई कर खारिज कर दिया। चार प्रश्नों के उत्तर को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका 11 याचिकाओं पर शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए उनको खारिज किया गया। जस्टिस अरुण भंसाली की एकलपीठ के समक्ष पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, इतिहास विज्ञान से जुड़े सवाल और साथ ही उनके उत्तर को लेकर याचिकाएं दायर की थी। अरुण कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित रखा और सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास और उनके सहयोगी कैलाश चौधरी ने पक्ष रखते हुए एकल पीठ को बताया कि लिखित परीक्षा के बाद मॉडल आंसर की आपत्ति मांगी गई थी और इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी ने सभी आपत्तियों पर निस्तारण करते हुए उनका उत्तर कुंजिका जारी की थी। कमेटी के अनुसार सभी प्रश्न और उनके उत्तर सही पाए गए। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं विधि सम्मत नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर पहले भी निर्णय सुरक्षित रखा था और शुक्रवार को हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार के पुलिस विभाग को कांस्टेबल भर्ती 2018 में एक बड़ी राहत देने का काम किया। आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस श्री अरुण कुमार जी भंसाली साहब की कोर्ट में एक दर्जन याचिकाओं पर ऑनरेबल कोर्ट ने पूर्व सुनवाई के पश्चात आदेश करते हुए याचिकाओं को खारिज किया। जो मामला था वो इस प्रकार था कि कांस्टेबल भर्ती 2018 के अंदर हम राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग ने जो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा प्रश्न व उनके उत्तर बनाए थे उनमें से कुछ चार प्रश्नों को के एंसर्स को लेके यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका के जरिए चुनौतियाँ दी गई थी और उस पर हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने नोटिस आने के बाद में जवाब पेश किया और जवाब में हमने एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जो भी उत्तर निर्धारित किए गए थे वो सब न्यायालय के सामने पेश किए और न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद